भिकारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर केंद्रीय कमेटी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों की भांति बनारस के भी बिजली कर्मियों ने विरोध सभा के माध्यम से जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य अभियंता मिर्जापुर के हृदयघात से हुए असामयिक निधन पर आक्रोशित सभी बिजली कर्मियों ने प्रबंध निदेशक का जोरदार नारों के द्वारा विरोध किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया सचिव अंकुर पांडे ने बताया कि संघर्ष समिति की केंद्रीय कमेटी द्वारा अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को दिए गए नोटिस के संदर्भ में आज पूरे प्रदेश की भांति बनारस के भी बिजलीकर्मी भिखारीपुर में प्रबंध निदेशक कार्यालय पर विरोध सभा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभा को इंजीनियर जयशंकर राय, आर के वाही, मायाशंकर तिवारी, इंजीनियर संजय भारती इत्यादि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। देखिए, हमारे ऊर्जा प्रबंधन जो है वो उसको सरकार तक हमारी बातों को पहुंचने नहीं देना चाहती है। वो अपने स्तर से इसके बीच में रोड़ा बनी हुई है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं या प्रबंध निदेशक हैं वो इंजीनियर कैडर के नहीं हैं। इसलिए इस विभाग के विषय में हमारे मुख्यमंत्री जी को या हमारे ऊर्जा मंत्री जी को किसी भी दशा में वो इंजीनियरिंग सेक्टर से उसको समझा नहीं पाएंगे और ना उनको बताना चाहते हैं। वो केवल यहाँ की कमियों को गिनाना चाहते हैं कि ये घाटे में जा रहा है। आप जानती हैं कि हमारे सबसे जो घाटे का कारण है ये यहाँ की जो नीतियाँ गलत नीतियाँ हैं। सौभाग्य योजना जो 75,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, हमारे विभाग के ऊपर लोन कर दिया गया। अगर उस 75,000 करोड़ की जगह हमें 30,000 करोड़ रुपया भी दिया गया होता तो ये हमारा बिजली विभाग पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बिजली पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन उसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का टेंडर कर दिया गया। हमारे यहाँ जो एक ERP सिस्टम लाई गई जिसके लिए 90 करोड़ रुपया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 90 करोड़ रुपया में 100 करोड़ रुपया में ये पूरा सिस्टम चला रही हैं। हमारे यहाँ 400 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया। तो ये निश्चित तौर पे इनकी गलत नीतियां हैं जो हमारे लिए घाटे का सबब बनी हुई है और इसका ठेकरा हमारे कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है। जबकि आप सभी ये जानती हैं, आप भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं, कि हर महीना जो है पिछले महीने से ज़्यादा राजस्व आता है और आपका बिल भी कहीं ना कहीं पिछले विगत वर्षों से कहीं ना कहीं आज के समय में ज़्यादा आ रहा है। तो निश्चित तौर पे घाटा होने का तो संभावना ही नहीं है। यह निश्चित तौर पे यह जो गलत नीतियां हैं यह घाटे का कारण बनी हुई है।